In this video, we are going to discuss one of the question of NCERT book, class 9th, question number 3, page 97. It is based on the concept of linear pair of angles. Here in this triangle, PQR, this PQR line is side is extended to both the side, and here PQR angle PQR is equal to angle PRQ. These two angles are equal, means these sides are also equal, so isosceles triangle. ये हो गया, यहाँ देखिए मेजरमेंट हमने लिया है तो इसमें 8.9 आ रहा है, 8.9 यूनिट आ रहा है, ये 8 यूनिट आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये ले लिया, और ये वर्टिकल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये भी 8 आ गए. तो अगर हम हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड का फार्मूला लगाए एरिया ऑफ ट्रेंगल के लिए, तो 8 × 8 = 64, और उसको 2 से डिवाइड कर दिया तो ये 32 आ गया. एट दिस स्टेज ये वैल्यूज आ रही. अब ये तो एरिया का अलग बात है, यार एरिया उसमें नहीं दिया था, मगर हमने एरिया कैलकुलेट का भी कॉन्सेप्ट इसमें ऐड कर दिया है. अब ये देखिए, ये एंगल्स हमने मेजर किया 63 है. अब ये एंगल मेजर किया 116.6 है, तो ये एंगल अल्फा प्लस दिस एंगल, ये एंगल दोनों, दिस एंगल एंड दिस एंगल विल मेक ए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री. अब इन दोनों को ऐड करके देखिए, 116.6 और ये 63.4, तो ये 0.4 0.6 जुड़ेंगे तो 1 हो जाएगा. 1 को इसमें हमने ऐड कर दिया, 63 बन गया 64, और 64 में ये 16 जोड़ा तो हो गया 80, 80 में 100 जोड़ा तो 180. यहाँ भी सिमिलरली इन दोनों का जोड़ करके आप देख लीजिए, यह हमेशा सम आपका 180 डिग्री ही आएगा. इस लाइन पर हमारा ये एक्सटीरियर एंगल इधर, ये एंगल, जब ये दोनों साइड बराबर हो तब ये दोनों एक्सटीरियर एंगल भी बराबर होंगे. ये हमने एक कंडीशन में देखा, अब हम इसको चेंज कर लें तब देखें क्या हो रहा. ये देखिए हमारे ये 7.2 आ गया, दोनों साइड बराबर है, दोनों एंगल बराबर है. तो अब इस केस में भी क्या होगा, हमारे ये एंगल, हमें क्या करना है कि ये एक्चुअली वी हैव टू शो एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी. तो ये दोनों एंगल देख लीजिए, 123.7 ये एंगल जो है आउटसाइड जो बन रहा है, ये एंगल दोनों बराबर है, ये शो करना है बाय प्रूफ. आपको टेक्स्ट बुक या नोटबुक में प्रूफ लिखना है इसका. मैं यहाँ वेरिफिकेशन बता रहा हूँ कि कैसे हम इस सॉफ्टवेयर से वेरीफाई करें. अब देखिए हम इसको, अब ये स्थिति में तो पहले भी था, अब हम इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, यहाँ ले आते हैं, और ये देखिए अभी भी ये नहीं है, मैं इसको थोड़ा सा खींच के यहाँ ले. अब 10 और 10 ही बराबर हो गए, मतलब हम इसको चेक करें, ये एंगल ऑटोमेटिकली आ जाएगा. अब देखिए एक्सटीरियर एंगल पी क्यू एस इज 126.9 और ये एंगल पी आर टी इज आल्सो 126.9 हो रहा है. तो ये इस तरह से हम ये देख लिया. इस आर को अब हम और थोड़ा दूसरे पोजीशन पर ले जाए और देखें
8.9 तो हमारा पहले ही आ रहा था, हम इसको अभी क्या 8.1 हो गया हमारा। अभी देखिए एंगल, ये सब दोनों एंगल, दिस एंगल रेड में जो मार्क है, इधर रेड में ही है, ये दोनों एंगल इक्वल आएंगे। हम इस पर कहीं भी इसको मूव करें, आपके एंगल हमें, क्योंकि ये इंटीरियर एंगल इक्वल है, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये आइसोसेलेस ट्रेंगल और आइसोसेलेस ट्रेंगल में ये तो हम आइसोसेलेस बनाएंगे। अगर यहाँ रखेंगे और कहेंगे एक्सटीरियर एंगल तो अलग अलग है, हाँ, तो ये आइसोसेलेस नहीं हुआ, ये दोनों एंगल भीतर के बराबर नहीं, ये कंडीशन दी है क्वेश्चन में, हाँ, तो इसका आप ध्यान रखें और इसको ये करके देखिए। यहाँ इस केस में देखिए, अभी ये आइसोसेलेस नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है। हम यहाँ शिफ्ट करें इस पॉइंट को, हाँ, अब देखो 8.9 आ रहा है आपका, हाँ, और आप चाहो तो थोड़ा ऊपर कम ये कर सकते हैं, नीचे थोड़ा, हाँ, कोई ज़रूरी नहीं कि ये ले। इस कंडीशन में भी हम देख रहे हैं कि प्रत्येक कंडीशन में ये एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी, ये दोनों एंगल बराबर है। जब भी हमें ये दो इंटरनल एंगल अगर बराबर दिए तो एक्सटीरियर एंगल भी यहाँ पर बराबर होंगे। इसको दूसरे वर्ड में भी कह सकेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल पी की वन साइड इज एक्सटेंडेड टू बोथ साइड, एक्सटर्नल एंगल सो फॉर्म आर ऑलवेज इक्वल। और इसका एरिया, एरिया निकालने के लिए वो फार्मूला लगाइए, एरिया तो आप यहाँ पे भी एरिया का फार्मूला लगा सकते हैं, इस केस में भी लगा सकते हैं, एंगल का कोई आपको भी मतलब नहीं है। तो एरिया निकालने के लिए, तो एरिया को निकाल के आप वेरीफाई कर सकते हैं कि यार इतना आ रहा है क्या नहीं आपका, हाँ। ये देखिए हम यहाँ रख रहे हैं, ये कितना है, 8 है यूनिट है, ये वर्टिकल हाइट 1 2 3 4 5, तो 8 × 5 40, और उसका हाफ कर देंगे तो हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड का फार्मूला लगा रहे हैं, तो ये आ गया 20। मतलब हमारा डायरेक्ट, हम तो छोटे क्लास में 5th 6th में भी यूज़ कर सकते हैं इसको, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना, पेरीमीटर फाइंड आउट करना, तो इन तीनों साइड्स का सम करके देखते जाइए। हर प्रत्येक कंडीशन में रखिए, एरिया पेरीमीटर निकालिए, हाँ, और ऑब्ट्यूस एंगल में, या ऑब्ट्यूस एंगल बना रहे हैं हम, तो ऑब्ट्यूस एंगल में साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज बिगर, ये साइड है, ये लार्जेस्ट एंगल है, तो ये साइड लार्जेस्ट है। ये अगर हम यहाँ थोड़ा सा ये देखें, ये एंगल आई थिंक स्मॉलेस्ट है, इसको भी मेजर करके देख सकते हैं, तो स्मॉलेस्ट एंगल के सामने की साइड स्मॉलर होगी, या इस साइड के अपोजिट स्मॉलेस्ट एंगल होगा ट्रेंगल में। तो बहुत सारे फैक्ट्स हम इससे वेरीफाई कर सकते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। जय गुरुदेव, जय महर्षि।